Hello everyone, welcome in Business Studies class. In today's session, we are going to discuss the concept, features and functions of stock exchange. What is stock exchange? Stock exchange means an organized market where securities issued by companies, government organizations and semi-government organizations are sold and purchased. Securities includes shares, debentures, bonds, etc. The Securities Contract and Regulation Act defines a stock exchange as an organization or body of individuals, whether incorporated or not established, for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities. Well, students, stock exchange kya hai? Stock exchange ek capital market hai, jahan par securities ka sale purchase kiya ja raha hai. किसी भी कंपनी को जब अपनी सिक्योरिटीज सेल परचेज करनी है तो वेरी फर्स्ट उस कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना पड़ता है, मींस रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है. स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को रीड करता है, उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं. जब वो सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर दी जाती हैं, फाइनली स्टॉक एक्सचेंज अपने पास उस कंपनी की सिक्योरिटीज को क्या कर लेता है, लिस्टेड कर लेता है. इट मींस रिकॉर्ड कर लेता है, रजिस्टर्ड कर लेता है. स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज के सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं, और ये ट्रांजैक्शंस ब्रोकर्स की हेल्प से की जाती हैं. ब्रोकर्स एक रजिस्टर्ड पर्संस होते हैं, उनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिससे ये वेरीफाई हो जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज का एक रजिस्टर्ड मेंबर है, अनऑथराइज्ड मेंबर नहीं है. वो जो ब्रोकर्स हैं वो इन्वेस्टर्स के साथ अगर प्रॉपर डीलिंग्स नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि वो एज ए ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल हो सकता है अगर वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं. तो हर इन्वेस्टर को जो भी स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटीज के साथ रूल रेगुलेशंस में डील करना है, वो ब्रोकर्स उन्हें बताते हैं कि किस तरह से हम स्टॉक एक्सचेंज ने जो रूल रेगुलेशंस बनाए हैं उन्हें फॉलो करना है, सिक्योरिटीज को किस तरह से सेल परचेज करना है. तो स्टॉक एक्सचेंज के सारे रूल रेगुलेशंस इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ब्रोकर्स करते हैं. कम टू द फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज इज ए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मींस कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जो एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट कमेटी के अंडर आ रहा है. मैनेजमेंट कमेटी होती है हर स्टॉक एक्सचेंज की, और वो मैनेजमेंट कमेटी कुछ रूल रेगुलेशंस बनाती है, राइट्स बनाती है, ठीक है. तो उन के साथ ही कुछ प्रिस्क्राइब्ड पाथ हैं, प्रोसीजर हैं जिन पर इन्वेस्टर्स को चलना होता है, उन्हें फॉलो करना उनके लिए कंपलसरी होता है. तो इसीलिए हम स्टॉक एक्सचेंज को एक ऑर्गेनाइज मार्केट कहते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइज मार्केट को कौन कंडक्ट कर रहा है? एक मैनेजमेंट कमेटी कंडक्ट कर रही है. उसने कुछ पाथ डिसाइड किए हैं, कुछ राइट्स बनाए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जिनके गाइडेंस में ही जो है एवरी इन्वेस्टर जो है और एवरी जो ब्रोकर है या कंपनीज हैं, जो सभी जो है अपना काम करती हैं. सेकेंड इज डीलिंग इन सिक्योरिटीज इशूड बाय वेरियस कंसर्न. किसी भी कंसर्न को, कंसर्न मीन्स गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे पब्लिक कंपनी है, किसी भी कंसर्न को अगर अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाना है, लिस्टेड करवाना है, उसके बाद ही वो कंसर्न अपनी सिक्योरिटीज का सेल परचेज स्टार्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती. तो सबसे फर्स्ट जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराने का, यानी कि सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवाने का प्रोसेस होता है, वो करना कंपलसरी होता है एवरी कंपनी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, प्राइवेट है, वो कराना उसके लिए क्या रहेगा? कंपलसरी रहेगा. थर्ड वन इज डीलिंग ओनली थ्रू ऑथोराइज्ड मेंबर्स. अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बेटा ये कंसेप्ट बताया कि
ब्रोकर अपॉइंट किए जाते हैं हर स्टॉक एक्सचेंज में. ईच एंड एवरी स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट द नंबर ऑफ ब्रोकर्स. वो हेल्प करते हैं किसकी, इन्वेस्टर्स की. कोई भी इन्वेस्टर जो है डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में एंटर नहीं कर सकता. वैसे तो देखिए जितनी भी मार्केट्स होती हैं वहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली आ सकते हैं, जा सकते हैं, पर आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इंडिपेंडेंटली एंट्री नहीं कर सकते. वहाँ पर सिर्फ ऑथोराइज मेंबर ही एंटर कर सकते हैं, और वो ऑथोराइज मेंबर्स कौन होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं. इसीलिए इन्वेस्टर्स को जो भी डीलिंग्स करनी है, सेल परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है, वो किसकी हेल्प से करेंगे, ब्रोकर्स की हेल्प से करेंगे. नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बायलॉज. जो मैनेजमेंट कमेटी स्टॉक एक्सचेंज को की सारी प्रोसीजर्स को कंडक्ट करती हैं, वो कुछ गाइडलाइंस इशू करती हैं. उन्हीं गाइडलाइंस को हम क्या कह रहे हैं, रूल्स एंड बायलॉज कह रहे हैं. और इन्वेस्टर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए उन गाइडलाइंस और रूल्स और बायलॉज को फॉलो करना क्या होता है, कंपल्सरी होता है. दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड ए रेडी एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज को, कि वो अपने कंपनीज को प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म कि अपनी सिक्योरिटीज को इजिली सेल कर सकती हैं. बायर्स वहां पर सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं. किसी भी इन्वेस्टर को अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना है तो बहुत क्विकली स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से अपनी सिक्योरिटीज को सेल करे और कैश में कन्वर्ट कर सकता है. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिक्योरिटीज को मार्केटेबिलिटी मींस कोई परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है. लिक्विडिटी यानी कि कोई अपनी सिक्योरिटीज को सेल में करने के बाद कैश में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है. नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन कांस्टेंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज विच प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स एंड दस हेल्प्स इन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच इज बेस्ड ऑन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. वेल स्टूडेंट्स, आप सभी ये बात जानते हैं कि किसी भी चीज के जो प्राइजेस हैं वो कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करती हैं. और स्टॉक एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की हेल्प से सिक्योरिटीज जो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उन सिक्योरिटीज के प्राइजेस को डिसाइड करता है. उसी के बेस पर ही इन्वेस्टर्स उन सिक्योरिटीज में डील करते हैं. नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन. द मेंबर्स ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज आर वेल रेगुलेटेड हु आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद इन द लीगल फ्रेमवर्क. दिस एंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन. यहाँ मेंबर्स का मतलब है ब्रोकर से. जो ब्रोकर हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो स्टॉक एक्सचेंज के एक लीगल फ्रेमवर्क यानी कि जो गाइडलाइंस, जो रूल रेगुलेशंस स्टॉक एक्सचेंज ने बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए ही अपनी एक्टिविटीज, अपने वर्क को कंडक्ट करते हैं. अगर कोई भी मेंबर, कोई भी ब्रोकर जो है उस लीगल फ्रेमवर्क से बाहर काम कर रहा है, उस लीगल फ्रेमवर्क को ब्रेकआउट करते हुए अपनी एक्टिविटीज कर रहा है तो इन्वेस्टर्स के साथ वो चीटिंग कर रहा है. इट मींस इन्वेस्टर्स की ट्रांजैक्शंस वहां पर सेफ नहीं है. और अगर कोई इन्वेस्टर उसके अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज में कंप्लेंट कर देता है तो उस ब्रोकर की जो मेंबरशिप है वो कैंसल हो जाएगी. उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसे स्टॉक एक्सचेंज ने अलॉट किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसका कैंसल हो जाएगा. वो एज ए ब्रोकर अब काम नहीं कर पाएगा. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में वो एज ए ब्रोकर काम नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्या रहती है, सेफ्टी रहती है कि कोई भी ब्रोकर उनके साथ किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं करेगा. एग्जाम्पल लेके से क्लियर करेंगे कि मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर अपने ब्रोकर की हेल्प से ट्रांजेक्शन कर रहा है और वो ब्रोकर उससे एक्सेस कमीशन चार्ज कर रहा है. उसे पता चलता है कि अदर ब्रोकर कम कमीशन चार्ज करते हैं और जिस ब्रोकर की हेल्प से मैं डीलिंग कर रहा हूँ वो ब्रोकर मेरे से बहुत एक्सेसिव कमीशन चार्ज कर रहा है. तो इस स्टेप के अगेंस्ट वो स्टॉक एक्सचेंज में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है और स्टॉक एक्सचेंज उसे पनिश कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकता है, उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो सकती है. तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं.
और सभी इन्वेस्टर्स अपने आप को सेफ रखते हुए ट्रांजैक्शंस करते हैं, तभी कैपिटल मार्केट में जो है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। मनी मार्केट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, और कैपिटल मार्केट की ट्रांजैक्शंस जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म बाय विच सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है? इंडस्ट्रीज के ऊपर। इंडस्ट्रीज किससे चल रही हैं? फाइनेंस फंड से चल रही हैं। और वो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? इन्वेस्टर्स से आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स अपनी मनी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जहाँ उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। और अपॉर्चुनिटीज उन्हें कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंज उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जो इन्वेस्टर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, और इन्वेस्टर्स अपनी मनी वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें कैपिटल गेन होता है, उस कैपिटल गेन को वो फिर से री इन्वेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिक कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज विच लीड्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। अब देखिए यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किसको? पब्लिक को। किससे रिलेटेड? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज से रिलेटेड। कोई भी इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक उसे उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। कंपनी ने पास्ट में क्या किया, पास्ट में कितने डिविडेंड्स उसने अनाउंस किए, पास्ट कंपनी का कैसा था, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, कंपनी डिविडेंड किस रेट से अनाउंस करती है, ये सब बातें इन्वेस्टर अगर जानेगा तो ही वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा। वो अट्रैक्ट करेंगी वो पॉइंट्स इन्वेस्टर को कि ये पॉइंट्स हैं, ये हाइलाइट्स हैं कंपनी की, इनके बिहाफ पर आप इस कंपनी में, एक पर्टिकुलर कंपनी में अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को देगा कौन? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी भी कंपनीज उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनका पूरा का पूरा डिटेल अपने पास रखता है, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। इन्वेस्टर्स उन्हें रीड करते हैं, अगर वो उन इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो उन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी कल्ट को भी स्प्रेड करने का काम करता है। लास्ट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड स्कोप विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर स्पेक्यूलेशन इन ए रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर। वेरी फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है कि व्हेन सिक्योरिटीज आर परचेस्ड विद ए व्यू टू गेटिंग प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन देयर मार्केट प्राइस इट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटीज को परचेज इस पर्पज से करते हैं कि जैसे ही सिक्योरिटीज के प्राइजेस इंक्रीज होंगे हम सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे और उनसे कैपिटल गेन अर्न करेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है इस जो ये जो प्रोविजन है इसे एक वैलिड पाथ मानता है। वो कहता है कि ये एक बिल्कुल जो है जेन्युइन टास्क है, आप इसे कर सकते हो, लेकिन उसने इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाई हैं, कुछ कंट्रोल मेजरमेंट्स बनाए हैं कि इन पॉइंट्स के अंदर रहते हुए ही, इन लिमिट्स को क्रॉस किए बिना ही आपको स्पेक्यूलेशन करना है। आपको डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को भी ध्यान में रखते हुए आप स्पेक्यूलेशन का पाथ जो है अडॉप्ट करोगे, यानी कि आप इस पर्पस से सिक्योरिटी सेल परचेज कर सकते हो कि जैसे ही सिक्योरिटीज के प्राइसेस इंक्रीज होंगे हम उनको सेल कर देंगे और कैपिटल गेन अर्न कर लेंगे। ये उन्होंने एक वैलिड जो है फैसिलिटी दी है कि सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी में स्पेक्यूलेशन के बिहाफ के ऊपर कन्वर्ट, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दैट्स ऑल अबाउट द ऑल फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।